चैलेंज जीत गए। अब अनस को हम चैलेंज देते हैं, अनस क्योंकि छोटा है तो अनस को हम देते हैं गाइस 5 बॉल्स पर अनस को गाइस बनाने 15 रन दे देते हैं गाइस। हमें अनस ने 20 रन दिए थे, हम अनस को 15 दे देते हैं। सही है अनस। चलो गाइस फर्स्ट बॉल, ओए एक बॉल मिस होगी गाइस, एक बॉल जीरो। सेकेंड बॉल कुछ भी नहीं गाइस, 2 बॉल 0 स्कोर है अनस का। अनस आ रहेगा कुत्ते की तरह आ रहे हैं अनस मेरे से गाइस। ये थर्ड बॉल कुछ भी नहीं गाइस, 3 बॉल 0 स्कोर है अनस का। मैंने 3 बॉल 0। चौथी बॉल गाइस 4 बॉल 0 रन। अनस को मेरी बॉल ही नहीं समझ आ रही गाइस। एक बॉल पे रह गए 15 स्कोर। अब लास्ट बॉल है अनस को, ये मलाई देते इस पे छक्का मार ले बेचारा। कुछ भी नहीं गाइस, गाइस अनस की कुत्ते की तरह अनस को मैच हरा दिया। अभी अनस का आपको फेस दिखाते, क्या हुआ अनस मैच हार गए, क्या हुआ? क्रिकेट छोड़ लो अनस, बैट वगैरह तोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है क्रिकेट, छोड़ दो। हरा दिए गाइस अनस को चैलेंज। गाइस यासिर बॉलिंग पर है, अभी नफीस से देख, ओ गुड शॉट, अभी देख के, ओ सिर बॉलिंग पर, वाह भाई यासिर कह रहे पाकिस्तान जाओ खेलो, कुछ बनो। पप्पो के घर से आने के बाद स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी हम स्टेशन पर ये देखें, सात का बाद व्यू चेक करें गाइस सामने यार का। बस गाइस अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली, ट्रेन जैसे ही आएगी बैठेंगे और अपने घर जाएंगे और सुकून की नींद करेंगे, क्योंकि अपने घर से बड़ी गाइस कोई जन्नत नहीं होती। कॉल की यासिर भी शायद आ रहा है, उसने बोलता मैं भी तुम्हें ड्रॉप करने आऊँगा। बाकी जब तक आप व्यू करें यार स्टेशन का, ट्रेन का टाइम तो हो गया लेकिन ट्रेन आई नहीं अभी तक। क्या बोलना चाहोगे अनस तुम मेरे ऑडियंस को, वापसी कराची जा रहे हो उसके बारे में? दुख तो बड़ा हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किस बात का दुख हो रहा है? स्कूल जाना पड़ेगा। पड़ेगा यार, उधर से जाना पड़ेगा। तो एक जगह खड़े होके बात करो। की कसम एक महीने का पता नहीं लगा कैसे गुजरा है। बेटा अभी पढ़ाई भी कर लो यार। वही तो मन नहीं तो नहीं है पढ़ाई का। तो फिर किस चीज़ का मन है? पढ़ोगे नहीं तो क्या कचरा उठाओगे? फिलहाल तो मैं आपको अपने बेड दिखाता हूँ। यही नहीं अभी और सुनिए, बेड की क्वालिटी दिखाओ, कौन कौन से बेड है गाइस। ये आपको अपने बेड की क्वालिटी दिखाएगा कि कौन कौन से बेड लेके आया हुआ है, SG का है, MRF का, और एक तो विराट कोहली ने इसके स्पॉन्सर किए गाइस। देखे विराट कोहली वाला पहले दिखाना गाइस, इसको विराट कोहली ने स्पॉन्सर किया। बस इसने MRF के स्टिकर नहीं लगाए क्योंकि MRF वालों ने इसको पैसे नहीं दिए इस वजह से। बाकी वो दूसरा कौन सा है? वो KL राहुल का है गाइस। बाकी ये दूसरा बोल रहे बाबर आजम का है गाइस, इसको बाबर आजम ने दिया था। क्या जो आपने 50 रन मारे थे उस पे दिया? 100 जब मारा तब दिया था। क्यों दिया था 100 रन मारने पे? यार लड़का अच्छा खेलता, पाकिस्तान खेलेगा अगले साल। करो हाथ जोड़ के मैं गाइस आप खुद ही मिलो इससे, मेरा मियार नहीं मिलता। अगले साल वो सामने देखो, सात का बाद के अंदर ही खेलूंगा पाकिस्तान। खुद मिलो अब इससे, आज तक हमें तो नहीं किसी ने स्पॉन्सर किया, इसको बैट भी स्पॉन्सर कर दिए। बस अब अल्लाह मालिक है, इसका खतरनाक प्लेयर होगा ज़्यादा। बेल चेक करें गाइस, ईद तो चलेगी, बेल चेक करें आप गाइस। ये मुल्क की गंदगी है, गंदगी। अनस इस गंदगी के हवाले से क्या बोलना चाहोगे आप हमारे मुल्क के हुक्मरानों को? यार साफ करवाए कुछ। किसको बोलोगे आपके हमारी मुल्क के हुक्मरानों को के साफ करवाए? साफ करवाए भाई कुछ, क्या गंदगी है बेचारे, जरा वो देखो मिले इनसे खुद गाइस। इससे अभी मियार नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, ट्रेन का वेट कर रहा हूं मैं। एक और बंदे से गाइस आपको मिलवाने ही भूल गए। आरिस कैसे हो? क्या हुआ, रो रहे क्यों हो? कौन रो रहा है भाई? कैसे रहे तुम्हारे अपने? कैसे रहे तुम्हारे दिन? बस अच्छे रहे बस। क्या सीन है, अभी जाके पढ़ाई करोगे? हाँ पढ़ लेते ना पहले भी।
पहले तो पढ़ा है 5 के, अभी पेपर दे कर ही आया था। एहसान किया है क्या? हाँ एहसान ही किया। एक महीना गुजर गया, अभी अभी दुख हो रहा है। एक महीना गुजर गया, अभी स्कूल जाना है गाइस, इन्होंने स्कूल जाना है अभी, इन्होंने एक महीना गुजर गया, अभी इनको दुख हो रहा है। बाकी आप ये व्यू करें गाइस, छोड़े सब। जो भी है गाइस, साथ का बाद में बादल बड़े प्यारे आते हैं गाइस। गाइस तो हम रेलवे खड़े हुए हैं, ये रेलवे और ये रेलवे की बैक साइड है गाइस। ये सारा रेलवे, ये साफ सुथरा है, ये सब क्लीन है, और ये रेलवे की बैक साइड है। अब यहाँ देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा गंदे कचरा, वो देखे पानी में डूब गए। तो गाइस मैं हूँ नफीस अहमद लाइफ स्टाइल चैनल का एंकर। तो मैंने अपनी पॉडकास्ट में आज दो बड़े नामी ग्रामी लेजेंड्स बुलाए हैं, तो इन लेजेंड से राय लेते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं मुल्क की गंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आरिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई को भी बुला लेना, सिधर आए। और आपने आज हमें कैसे याद कर लिया? अनस आपको मैं अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट करता हूँ, आप इधर आए, मेरी पॉडकास्ट में इनवाइट हों। आप दोनों से मैं सवाल करता हूँ कि इस मुल्क का क्या होगा, इस गंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी नहीं है भाई, क्या है हमारे मुल्क की शान है। ये सुबह लोग उठ के प्यारा प्यारा व्यू देखते हैं बाहर के मुल्क के लोग, यहाँ के उठते जब तक ये नहीं देखे तब तक उनकी सुबह नहीं होती। यहाँ के लोग उठते हैं तो सबसे पहले यहाँ का दर्शन करते हैं फिर। और अनस भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस गंदगी के बारे में? सबसे पहले तीसरे में गुम, चौथे में गुम, तीसरे में तुम, चौथे में गुम, पोयो आए। कई ढंग की बात करो अनस भाई। भाई इसको देख देख कर हम परेशान हो गए, मगर यहाँ जो लोग रहते हैं ना उनके उसके दो देख कर बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हारिस भाई ने बिल्कुल सही कहा, इससे देखे बगैर सुबह नहीं होती उनकी। देखेंगे तभी उनकी सुबह आएगी। अच्छा गाइस बस अभी ये इन दोनों से मैंने इनको पॉडकास्ट में बुला के सवालात करने थे, ये तो लेने ही लग गए हैं गाइस। इनको लेने का नहीं बोला था, इनसे सवाल पूछने थे कि अनस भाई ये मुल्क की गंदगी ख़त्म कैसे होगी उसके बारे में बात करें। हारिस भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क की गंदगी ख़त्म कैसे होगी, इसके लिए आपको क्या वज़ीर आज़म को क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे, आप हमारे मुल्क के हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो ये इस गंदगी को क्लीन करें और ये शहर को साफ रखें? अभी हम उनको बोलना चाहेंगे कि अभी आपका बहुत बहुत अल्लाह आपका, अगर आपने अगर सफाई अगर साफ़ करवाई, साफ़ करवाएं यहाँ के लोग, इनका भी दिल है, इनको भी यहाँ के जीने का हक है, तो साफ करवाएं ताकि ये भी साफ जगह पे रह पाए। और अनस भाई आप बोलें। भाई इधर पुराने वाले को भेज दे, वो पूरा साफ कर देगा। इसके बारे में मेरे पास नो वर्ड्स हैं गाइस, तो सीधी बात करते हैं गाइस के सीन कुछ ऐसे हैं कि गाइस ये गैर कानूनी जगह है, ये जगह कोई इन्होंने ख़रीदी भी नहीं है, ये गैर कानूनी जगह है, ये ऐसे ही मतलब कि ना इन बेचारों के पास घर नहीं है, तो ये वो चक्कर है कि ये गैर कानूनी जगह, ये सैलाब जरगान जो सैलाब आया था अभी हमारे मुल्क में, तो जिन्हों के घर बेचारों के सैलाब से रह गए थे ना, जिन्हों के घर टूट गए थे या सैलाब में बह गए थे, तो ये वो लोग हैं सैलाब जरगान वाले, इनके पास घर नहीं है तो ये बेचारे अभी यहाँ पर अपना गुसर बसर कर रहे हैं। तो बस हम क्या कर सकते हैं, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इन सबको अपना अपना घर दे और इनको एक अच्छी लाइफ अता फ़रमाए, प्लस हमें भी अच्छी लाइफ अता फरमाए। आमीन। मेरा ख्याल निकल गया ना, फाइनली डिनर टाइम। पकड़ो वारिस, हर बात में गाइस ये बड़ा जरूर बनेगा। The next morning. So finally guys, घर पहुंच गए। मैं व्लॉग इसलिए रास्ते का नहीं बना सका क्योंकि मेरा फ़ोन पावर ऑफ हो गया था, चार्जिंग की वजह से चार्जिंग नहीं थी फ़ोन में। अभी घर पहुंच गए, फ्रेश वगैरह हो गए, सब कुछ कर लिए गाइस। तो अभी तो टाइम है रात को सोने का, तो मैं पहुंच तो सुबह गए थे, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, सो गया था। तो अभी फिर खाना वाना खाया, अभी रात हो गई, तो अभी सोना है और सुबह उठ के जाना है गाइस कॉलेज। और गाइस मैंने नानी के घर से जब आ रहे थे उस टाइम मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया ना स्टेशन की तरफ, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नानी बहुत ज़्यादा सैड थी, बड़ी अम्मी बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि हर माँ को
भाई इमोशनल होती है, हर माँ को दुख होता है जब बेटी दूर जा रही होती है, क्योंकि एक तो नानी किसी और सिटी में रहते हैं, हम किसी और सिटी में रहते हैं, तो साल साल बाद जाती है मिलने, तो इसीलिए वो फिर एक साल बाद मिलने जाना, तो इसलिए नानी इमोशनल होती है। बस बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, peace and love, bye.